हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे IBPS RRB PO प्रीलिम्स 13/2024 के एग्ज़ाम में कितनी शिफ्ट होनी है, शिफ्ट टाइमिंग क्या क्या है। तो आपको जैसा कि मालूम है 24 जुलाई 2024 को IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं IBPS RRB PO के, और आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे। और इसकी एग्ज़ाम डेट है 3 अगस्त और 4 अगस्त। तो आपका एग्ज़ाम किस दिन पड़ रहा है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, 3 अगस्त या 4 अगस्त को, और क्या रिपोर्टिंग टाइम है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम 2024 की शिफ्ट टाइमिंग क्या क्या हैं। IBPS RRB PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 शिफ्ट टाइमिंग, एग्ज़ाम डेट है 3 अगस्त और 4 अगस्त 2024। इसकी शिफ्ट 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है IBPS RRB PO एग्ज़ाम। और इसकी एग्ज़ाम है आपका 3 अगस्त को और 4 अगस्त को, दोनों दिन 4-4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है। टोटल 8 शिफ्ट लगेंगी इसकी, और रिपोर्टिंग टाइम है पहला शिफ्ट में 8 बजे, जिसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 9 बजे और एग्ज़ाम एंड होगा 9:45 पे। शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम का रिपोर्टिंग टाइम है 10:15 और एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 11:15 पे और एग्ज़ाम एंड होगा 12 PM पे। और शिफ्ट 3 का रिपोर्टिंग टाइम है 12:30 PM और एग्ज़ाम स्टार्ट होगा आपका 1:30 PM पे और एग्ज़ाम एंड होगा 2:15 PM पे। और शिफ्ट 4 का रिपोर्टिंग टाइम है 2:45 PM और एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 3:45 PM पे और एग्ज़ाम एंड होगा 4:30 PM पे। तो दोस्तों, आपका IBPS RRB PO एग्ज़ाम जो कि 3 अगस्त और 4 अगस्त को है, आपका किस डे को पड़ा है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और किस शिफ्ट में पड़ा है। और आप रिपोर्टिंग टाइम देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया है, तो आप रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। और इसमें IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे अब ये डिक्लेयर हो गया है कि सेक्शनल टाइम रहेगा इस एग्ज़ाम में, तो आप अपना पढ़ाई सेक्शनल टाइम के हिसाब से मॉक टेस्ट लगाइए और अच्छे से प्रिपेयर होके एग्ज़ाम दीजिए। मैं अब आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए और आपका एग्ज़ाम किस दिन है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और रिपोर्टिंग टाइम ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।